कहिंदे ने मेहनत कर कामयाबी तेरे मत्थे चुमूगी। पंजाबी एक अजिहा शब्द, पंजाबी अजिहे लोग जिहड़े जिथे जांदे आ अपना वखरा शहर, अपना वखरा रुतबा कायम कर लैंदे आ। पंजाबी जिहड़े पंजाब तों इलावा देश दे विच, देश तों इलावा विदेशां दे विच अपनी ठुक पाउण दे विच कामयाब रहे आ। भावें विदेशां दे विच सियासत होवे, विदेशां दे विच वड्डे वड्डे कारोबार होण, विदेशां दे पार्लीमेंट विधानसभा तो लैके लोग सभा तक तो हाल ही दे विच कई पंजाबियों के, कई भारतीयों के नाम तो PM के तौर पर विदेशों के देखे जाने शुरू हो चुके हैं। गल कर रहे हैं जलंधर के एक नौजवान की, गुरसिख नौजवान। तस्वीर जो तुम देख रहे हो ये जलंधर का नौजवान है, जो कि अपने भारत की फौज के सुपने पूरा तो नहीं कर सकिया। सुपना भारतीय फौज के भर्ती होने का सी, जो कि हालांकि भारत च नहीं पूरा होया पर बाहर जाके जरूर हो गया। तस्वीर तुम देख सकते हो, गुरसिख नौजवान है, एक साबत सूरत नौजवान। भारत के निकल के USA पहुँच जाता, उत्थे IT कंपनी के जॉब करता करता कदों अपने सुपने संजोदा अमरीका की फौज के भर्ती हो जाता है। अमरीका की फौज के भर्ती भी अपने पूरे सिखी स्वरूप के भर्ती होया है। की कुछ कहना उसके मापियां का, तुहानू सुणाउने आ। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हाँ, क्योंकि एज ए पेरेंट्स बहुत ज़्यादा प्राउड फील है। साडे जिस स्कूल विच पढ़िया उस दे टीचर्स नूं भी प्राउड फील हो रहा है कि साडे स्कूल का बच्चा अज कित्थे दा कित्थे पहुँच गया है। क्योंकि जो 2014 दे विच आर्मी ट्रेनिंग ते गया तो सिर्फ एक 4 नंबर पिछे रहा सी। 4 नंबर दे पिछे जो ये रहा तो इस दे जिहड़े सीनियर सीगे उन्होंने उन्होंने कहा, ऑफिसर सीगे, कि नैक्सट टाइम जरूर आना, पक्का सिलैक्शन होएगी। लेकिन फिर ये IT अपनी कंपनी च जॉब करता रहा। IT कंपनी जॉब करन तो बाद ये मोहाली शिफ्ट हो गया। उस तो बाद इन्दी एक मैरिज का किदा संजोग हुंदे हन, मैरिज की गल बनी तो US पहुँच गया। तो US जा के पहुँच के इन्हें अपना एक ड्रीम जो सीगा उसने इन्हें पूरा किया। तो US आर्मी दे विच इन्हें मतलब उधर भर्ती करके अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। तो हूँ इनकी जी है IT वाली ट्रेनिंग रह गई है, वो ट्रेनिंग कंप्लीट करके ये अपनी जॉब विच एज ए सोल्जर भर्ती हो जाएगा। की तू संदेश की देना चाहते हो कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए? हाँ, हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। हिम्मत कदी ना हारो, क्योंकि हिम्मत दे नाल ही तुहानू हर चीज़ अवेलेबल हुंदी है। तुसी हिम्मत रखोगे तो कोई भी स्टैप जिहड़ा तुहाडे लई मुश्किल नहीं होएगा। मुश्किल आंदियां हन, लेकिन उस परमात्मा का नाम लैके तुम अपनी मुश्किलों ख़त्म कर सकते हो। इंडिया के झंडे बाहर गड़ गए, क्योंकि इंडिया के बच्चे US आर्मी के जो पहुँच गए तो इंडिया का एक नाम अलग रोशन हो जाता है। आर्मी सिलेक्ट होया, बहुत खुशी है इस चीज़ की, क्योंकि वह शुरू तो ही ड्रीम सीगा कि मैं आर्मी जाना। तो उन्हें इतने इंडिया भी ट्राई किया पर कह लो कि नहीं सिलेक्ट हो सकिया फॉर सम रीज़न। तो उस तो बाद मन च ये सीगा कि आर्मी का मेरे च है, मैं जाऊँगा। तो IT सैक्टर दे जॉब कर लग पाया, मुड़ के वो मैरिज हुई USA दे च, उत्थे चला गया 2018 दे विच। ते उस तो बाद उदा उत्थे कोई स्कोप बनिया, तो उन्हें कोई अपने आर्मी वाले सर्जन टेलर उन्होंने मिले उत्थे, उन्होंने डिस्कस किया। तो उन्होंने उन्होंने गाइड किया कि तू हले भी जा सकदा, कोई यदि एज लिमिट नहीं है, तू हले भी अप्लाई कर सकदा तो जा सकदा। तो सर इंडिया NDA मेरे को फोटो है वो जी, है मैं उस तो देख के दसदा साल, पर चलो ट्राई किया। हाँ, सक्सेसफुल नहीं हुआ, ट्राई किया। SSB जिन्होंने आप कहने सर्विस सिलेक्शन बोर्ड थ्रू नहीं हुआ। जिदा कह लो इंटरस्ट इधर आर्मी वाल ही, उन्हें आर्मी रिलेटिड वीडियोज़ देखनिया, सोशल मीडिया से फॉलो करना उन्होंने। तो वो ही एक सर्जन टेलर ने एक बार नाल यदा कॉन्टैक्ट होया, क्योंकि वो रिक्रूटिंग एजेंट ने सर्जन टेलर, तो उन्होंने कॉन्टैक्ट होया। तो उन्होंने इनू गाइड किया, तो इन्हें फिर दोबारा फोन किया कि मैं एज मेरी इन्नी है इस वेले, तो मैं कि ज्वाइन कर सकता। उन्होंने कहा हाँ, एज का कोई चक्कर नहीं, तू हले भी ज्वाइन कर सकता। फिर उस तो बाद इन्हां दी मीटिंग हुई आपस दे, उन्होंने इन्हूं गाइड किया भी आ तेरे वास्ते फील्ड जिहड़े ओपन ने, इन्हां फील्ड्स विच तू आ सकता। तो सर गल करिए, प्रॉब्लम्स वैसे तो कोई नहीं खास नहीं, पर बीइंग अमृतधारी सिख होने के नाते
ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨਸ ਲੈਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਕਿ ਆਪਣੀ ਟਰਬਨ ਬੀਅਰਡ ਕੜਾ ਕਿਰਪਾਨ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਕਛਹਿਰਾ ਵੀ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੇਟ ਮਿਲੀ ਇਹਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੇਸਿਕ ਕੰਬੈਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਨਾਓ ਹੀ ਇਜ਼ ਸੋਲਜਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਫਾਈਨਾਂਸ ਐਂਡ ਆਈ ਟੀ 'ਚ ਉਹਦੀ ਫਰਦਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਐਡਵਾਂਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੈ ਨੀਅਰ ਬਾਏ ਹਿਜ਼ ਪਲੇਸ ਆਫ ਰੈਜੀਡੈਂਸ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਾਂਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਡਰੀਮ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਇਆ ਏਅਰਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਪਰ ਨਹੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਐਮ ਦਾ ਓਨਲੀ ਸਨ ਇਕੱਲਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਘਰ 'ਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਉਹਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਇਹ ਕਿੰਨਵਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ? ਐਗਜੈਕਟ ਫਿਗਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਾਂਗਾ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਲੈਣ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ? ਹਾਂਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ US ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਟੈਪਸ ਦੱਸੇ ਵੀ ਆ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ। ਅਕਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹਰ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ ਕਾਇਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ USA ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਚੁਕਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ USA ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਸਾਬਤ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ TV ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਐਪ ਐਂਡਰੋਇਡ ਜਾਂ iOS ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਰੋਕੂ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਫਾਇਰ TV ਤੇ ਜਾਂ ਐਪਲ TV ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ www.globalpunjabtv.com ਤੇ।